चलिए दोस्तों, अब आप देख रहे हैं Redmi Note 7 Pro का फ्रंट कैमरा। मैं इसका सेल्फी कैमरा के साथ ये वीडियो शूट करता हूँ। आप इसका क्लैरिटी देख सकते हैं, इसका वीडियो स्टेबलाइजेशन भी आप जरा देख सकते हैं। अब मैं सन के सीधा खड़ चुका हूँ, आप देख सकते हैं, और सन के बैक खड़ के भी आपको दिखा दूंगा। देखिए, अब मैं सन के बैक साइड खड़ कर रहा हूँ। इसका क्लैरिटी मुझे मैक्स प्रो M1 से भी बहुत अच्छा लगा दोस्तों। इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर देखने को मिलता है, बट आपको इसकी क्लैरिटी ज़बरदस्त देखने को मिल सकती है दोस्तों। कंपेयर टू मैक्स प्रो M1, आपको नोट 7 प्रो में अच्छी सी कैमरास देखने को मिल सकते हैं। देखिए, आपको थोड़ा दिखा दूंगा मैं। हाय दोस्तों, फिलहाल के लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं, मैं Asus Zenfone Max Pro M1 के साथ ये वीडियो शूट करता हूँ। जो आप ऑडियो सुन रहे हैं, वो भी मैं इसी फ़ोन के माइक्रोफोन से ही आपको देखने को मिलता है। अब मैं सन के स्ट्राइट खड़ को हूँ, मेरे बैक साइड ही सन है, देखने को मिल सकता है आपको। देखिए, मैं थोड़ा फिरा के दिखा दूंगा आपको इसका फ्रंट कैमरा, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। अब मेरे बैक साइड आप सन क्लियरली देख सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन के साथ मैं ये फ्रंट शूटर के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। आपको इन दोनों का वीडियो स्टेबलाइजेशन भी एक बार भाग के दिखा दूंगा। देखिए, अब देख सकते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में आपको किसमें वीडियो स्टेबलाइजेशन ठीक देखने को मिला है। चलिए, आपको क्लैरिटी तो नोट 7 प्रो में आपको बहुत बेहतर देखने को मिल सकती है, लेकिन वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको देख सकते हैं। अब मैं फिर को भाग को दिखा दूंगा। ये दोस्तों,